यूपीआई पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बैंक जाने की जरूरत नहीं, ऐप की मदद से हो जाएगा ये काम। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैश डिपॉजिट मशीन CDM पर जाकर QR कोड स्कैन करना होगा। ये सुविधा SBI, PNB, HDFC और यूनियन बैंक जैसे बैंकों में उपलब्ध है। इससे आपका समय भी बचेगा। UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हम एक नए फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फीचर ऐसे लोगों के लिए बहुत काम का साबित होने वाला है जो पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक जाते हैं। अभी तक तो ऐसा था कि आप UPI पेमेंट की मदद से किसी को पैसे भेज सकते हैं, लेकिन अब आप UPI की मदद से अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी जमा करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो आज हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा करना कैसे संभव है जिसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैश डिपॉजिट मशीन CDM पर जाना होगा। ये ऐसी मशीन होनी चाहिए जो UPI कैश डिपॉजिट स्वीकार करती हो। CDM मशीन पर आपको QR कोड नजर आने लगेगा और आप इसकी मदद से पेमेंट डिपॉजिट कर पाएंगे। UPI ऐप को ओपन करना होगा। यहाँ पर जाकर आपको QR कोड स्कैन करना होगा। UPI ऐप पर आपको स्कैन करने के बाद वही अमाउंट नजर आएगा जितना आप जमा करने वाले थे। अंत में आपको बैंक अकाउंट का चयन करना होगा। इसमें आप जिस UPI पिन का इस्तेमाल करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे पहुंच जाएंगे। इन बैंकों की मदद से कर सकते हैं UPI डिपॉजिट। SBI, PNB, HDFC समेत बहुत सारे बैंक्स हैं जो UPI की मदद से पैसे जमा करने का ऑप्शन देते हैं। हाल ही में यूनियन बैंक की तरफ से भी इस ऑप्शन की शुरुआत कर दी गई है। ये ऐसे यूजर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित होता है जो आसानी से पेमेंट करना चाहते हैं। साथ ही इसमें कई खास फीचर्स भी दिए जाते हैं जो इसे अलग बनाते हैं। इससे यूजर्स का काफी समय भी बचता है। अधिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब